बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात जो है चैतन्य चरितमृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐ रूपे ब्रह्मांड भ्रमते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि ऐ रूपे ब्रह्मांड भ्रमते, कि ब्रह्मांड में लोग भ्रमित भ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों के अंदर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कभी ब्रह्मा इंद्र इत्यादि जो है उच्च देवी देवताओं का स्थान ग्रहण करते हैं, और कभी मल में कीड़े का, सुअर कुत्ते बिल्ली का जो है योनि भी एक्सेप्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसके ऊपर बात कर रहे हैं, यस्त्व इंद्र गोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति, कि इंद्र और जो है एक छोटा सा कीड़ा जो है वो दोनों कर्म के जो बंधन से दोनों गले में फंसे हुए हैं, गले में फांस लगी हुई है कर्म बंधन की, इसलिए दोनों एक समान है, ऊपर नीचे चल रहे हैं बेसिकली। और वहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिवाचम्, लेकिन ये जो कर्म की फांस जो है जिसके कारण इंद्र और इंद्र गोपम नामक कीड़ा दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं, चाहे एक पूरे ऐश्वर्य में जी रहा है और चाहे दूसरा जो है कुछ घंटे जीवित रहता है, दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं कर्म बंधन की फांस के कारण। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो फांस है ये फांस कट जाएगी भक्ति भाजाम भगवान की भक्ति करने से। और यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कि ये जो भक्ति, ये जो कर्म की फांस काटने की जिसमें ताकत है, ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये प्राप्त होगी जो महत कृपा और भगवान के लेश मात्र कृपा से ये प्राप्त होगी। सो ऐ रूपे ऊपर नीचे जाने, ऊपर नीचे हिल रहे हैं, ऐ रूपे ब्रह्मांड भ्रमते कौनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव होता है, वो भाग्यवान जीव कौन है? जो जिसके पास संचित सुकृतियाँ इकट्ठी हो गई हैं और वो सुकृतियाँ उसकी इतनी एकत्रित हो गई हैं कि अब जो है वो गुरु और कृष्ण की कृपा कृपा का जो है रिसिपिएंट उसके योग्य बन गया है, और जब गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी तो उसको जो योग्यता हासिल हुई है उस योग्यता का फेवरेबली उसको प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए उसे मेंटली उसको मानसिक रूप से उसको तैयार रहना पड़ेगा। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ये जो भक्ति लता का जो बीज है, जो भक्ति लता जो जिसमें ताकत है कि इस भौतिक संसार का आवरण भेदने की, जिसमें ताकत है विरजा नदी को पार करने की, जिसमें ताकत है वैकुंठ लोकों को भी क्रॉस करके, जिसमें ताकत है गोलोक धाम में प्रवेश करने की, जिसमें ताकत है भगवान के चरण कमल का आश्रय, कल्प वृक्ष रूपी भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने की, और जिस भक्ति लता में ताकत है कि उस पे कृष्ण प्रेम रूपी फल जो है वो उग जाएगा, ऐसी जो भक्ति लता है उसका बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होगा। तो